तौहीद को, बाबे दी टाली है, टाली नु कोई हिला नहीं सकदा। अहले तौहीद ने कहा था तुम सिर्फ टाली की बात करते हो, कहो ते बाबे नु भी चुक छड़िए। कहता नहीं, सिर्फ टाली पे खेड़ मुका लो। अहले तौहीद आए, मुशरिक भी आए, मुशरिक आके कबर के सामने खड़े, बाबा टाली वाले आ, भाभी आए ना जान ना दई। बाबे ने जुबान हाल से कहा, भाभी बड़े डरदे ने, मेरे को भी नहीं डरते, तुम चबलो डरते रहते हो, ये नहीं डरते, मैं कुछ नहीं कर सकता। 35 साल हो गए ने आदि नाले गिरिया, ये दरख्त नाबे वाला महकमा नहर की मलकियत है, महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की थी लेकिन उठाया नहीं गया, नहर पक्की बन रही है, उन्होंने इसको हटाने की कोशिश की थी, हटाया भी नहीं गया। बाबा जी इस दरख्त को नहीं हटा देंगे, मैं मुबाला किया बल्कि चैलेंज किया कि 1 लाख रुपया इनाम देंगा जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले लै जे अपने इस्तेमाल च कर, उस बंदे नूं किसे किस्म दी कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होगी। बाबा जी बाद सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं, वह जेड़ा भी नुकसान पहुंचा वह इन्हों का अपना मिशन है, उहदे नाल मेरा तलक नहीं। अलबत्ता दुनिया जितनी भी मेरे भैन भरा इत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है, इंशाअल्लाह इन्हां नूं किसे किस्म दा इन्हां दे रस्ते च खलल पैदा नहीं मैं होण देंगा ना होएगा। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਠਾਣ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਠਾਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। अहले तौहीद ने उस दरख्त के टुकड़े करके काट डाले, उठा के ले गए। बाबा सुता ही रह गया, कुछ भी ना कर सका। इस अहले ईमान के सरदार ने भी कहा, मैं जलाने लगा हूं तुम्हारे सनम को, जो कर सकते हो मुझसे कर गुजरो। लेकिन वो कुछ कर सके, और अगर बाबा जी कुछ कर सकते होते अपनी तहारत और अस्तंजे के मामला तो कम अज कम अपने तक ही रखते, कफन पहनने की बातें तो तनहा हुजरों में जाके कर लेते, लोगों के सामने बरहना होके बेशर्म तो ना बनते।